हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं दोस्तों, यदि सूर्य उन नक्षत्रों में आ जाए, और कुछ स्पेसिफिक पदा भी होते हैं, कुछ खास पदा ऐसे होते हैं दोस्तों, यदि उन नक्षत्रों के उस पदा में यदि सूर्य आ जाए तो जातक के जीवन में बहुत ही नाम सम्मान प्रतिष्ठा मान नेम फेम बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं दोस्तों कि ऐसा कौन सा नक्षत्र है, ऐसी कौन सी राशि है जिसमें सूर्य यदि उस वहां पे आ जाए तो जातक के जीवन में बहुत ही नाम सम्मान मिलता है। तो दोस्तों इसे हम D1 और D9 दोनों से कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें चाहिए D9 में सूर्य एग्जॉल्टेड यानी उच्च का, सूर्य मेष राशि का चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सूर्य हमें ऐसे नक्षत्रों के ऐसे पदा में चाहिए जहाँ पे सूर्य नौमांस में उच्च का हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, नेम फेम हमें कौन सा कर देता है? पहला घर हमें पर्सनालिटी से नेम फेम देता है, 10वां घर हमारे कर्म से नेम फेम देता है, और 6ठा घर हमारे सर्विसेज हमारे डेली रूटीन में हमें नेम फेम देता है। तो ये 3 घर हमें ज्यादा नेम फेम देते हैं दोस्तों, अधिक प्रतिष्ठा देते हैं। तो सपोज करिए दोस्तों कि यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य जो है वो पहले घर में बैठा हुआ है और वो अश्विनी नक्षत्र के पहले पदा में आ गया है, तो नौमांस कुंडली में वो भी वो एरीज साइन में पहले पदा में रहेगा। इट मीन्स कि वो उच्च का हो जाएगा नौमांस में भी। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि यदि किसी के भी जातक की कुंडली में सूर्य जिनका मेष राशि में आता है और अश्विनी नक्षत्र के पहले पदा में ही आ जाता है, तो उनका D1 और D9 दोनों ही चार्ट में सूर्य उच्च का रहेगा। तो ये बहुत पावरफुल सन हो जाता है दोस्तों, खासतौर से डॉक्टर्स के चार्ट में और किसी भी तरह के ऐसे वर्क में जहाँ, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जहाँ भी जाओगे वहां आपका नेम फेम आपके साथ जाएगा, आपके पीछे पीछे रहेगा। तो सूर्य अश्विनी का पहले पदा में, चाहे वो लग्न में हो चाहे वो 10वें घर में, सूर्य एरीज में अश्विनी नक्षत्र के पहले पदा में हो तो उसके काम को लेके फेम मिलेगा। और ठीक इसी तरह से 6ठे घर में भी सूर्य अश्विनी नक्षत्र के पहले पदा में भी ऐसी ही सिचुएशन होगा। तीनों जगह के सूर्य जो है वो उच्च के मिलेंगे। उच्च का सूर्य, उच्च का नवमांस में मिलना, ये एक वर्गोत्तम सूर्य भी हो गया दोस्तों, और ये बहुत पावरफुल सूर्य हो गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में लियो साइन में मघा नक्षत्र के पहले पदा में सूर्य बैठा हो, मघा नक्षत्र का पहला पदा, मघा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मूला नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र है दोस्तों। यदि इनके पहले पदा में सूर्य आ जाए तो अगेन नौमांस कुंडली में ये सूर्य उच्च का मिलेगा, सन एग्जॉल्टेड मिलेगा, सन उच्च का मिलेगा, एरीज साइन का मिलेगा। तो ऐसे इसको समझना चाहिए दोस्तों कि, तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये था दोस्तों कि यदि केतु के नक्षत्र में सूर्य आ जाए और पहले पदा में आ जाए तो जातक के D9 चार्ट में वो सूर्य एग्जॉल्टेड मिलेगा, उच्च का मिलेगा। इट मीन्स कि आप किसी के भी चार्ट में यदि देखो, इन तीनों तीनों घरों में यदि यदि सूर्य केतु के पहले पदा में है, केतु के नक्षत्र के पहले पदा में बैठा है, तो आप ये समझ जाओ कि जातक के जीवन में नेम फेम बहुत मिलने वाला है दोस्तों। मूल नक्षत्र रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, मघा नक्षत्र जो है वो लीनेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि मघा नक्षत्र वाले सूर्य को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में बहुत नेम फेम, किसी भी सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में बड़ा पद मिला हो और वो सूर्य एग्जॉल्टेड है। तो इस वजह से मूल नक्षत्र में दोस्तों कोई व्यक्ति बहुत रिसर्च के काम कर रहा है, PhD कर रहा है, टीचर है, गुरु है, उस वजह से वो बहुत नेम फेम है, रिसर्च के वजह से, एक साइंटिस्ट के वजह से या कुछ खोज करने की वजह से वो बहुत नामी है। तो सूर्य इन 3 नक्षत्रों में, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के पहले पदा में, आप D9 में उसे उच्च का पाओगे, एग्जॉल्टेड पाओगे। तो ये बहुत पावरफुल हो गया दोस्तों। अब सेकेंड नक्षत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकेंड नक्षत्र है दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में टॉरस साइन में वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के पहले पदा में, रोहिणी नक्षत्र के पहले पदा में सन मिल जाए तो भी सिचुएशन में भी
सूर्य एग्जॉल्टेड मिलेगा, सूर्य उच्च का मिलेगा नवमांस में, और ये किस तरह के पद में या किस तरह के फील्ड में ये नाम कमा सकते हैं, टॉरस साइन, इट मींस कि रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, तो बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, किसी फाइनेंस सर्विसेज के में बहुत ऊंचे पद पे हो सकते हैं। टॉरस साइन, टॉरस साइन जो है वो सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है, फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे आप इसको देखना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे पद पे हैं, ठीक है, तो ऐसे इसको समझना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल दोस्तों, किसी जातक की कुंडली में यदि कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के पहले पदा में सन मिल जाए, हस्त नक्षत्र के पहले पदा में सन मिल जाए, तो इट मीन्स कि ये तीनों ही सन जो है लगन के 10वें घर के 6वें घर के सूर्य जो है वो उच्च के मिलेंगे, हस्त नक्षत्र के पहले पदा में उच्च के मिलेंगे। इट मीन्स कि यहाँ भी आप देखो तो सन जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब सूर्य जो है वो वर्गो साइन, वर्गो साइन रोग ऋण शत्रु मुकदमे का राशि है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि व्यक्ति जो है वो लॉ की फील्ड में नाम कमा सकता है, व्यक्ति जो है वो मेडिकल लाइन में डॉक्टर हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा हीलर का कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों, क्योंकि वर्गो साइन में आ गया सूर्य, तो ये भी एक उच्च का कॉम्बिनेशन हुआ, और जातक की लाइफ में बहुत नेम फेम होगा, सूर्य लगन का 10वें घर का 6ठे घर का वर्गो साइन में या टॉरस साइन के रोहिणी नक्षत्र में, हस्त और रोहिणी नक्षत्र में मिल जाए पहले पदा में, पहले पदा में, तो जातक के जीवन में बहुत ही नेम फेम मिलेगा दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के पहले पदा में यदि सूर्य आ जाए तो भी जातक का सूर्य D9 चार्ट में एग्जॉल्टेड मिलेगा, D9 चार्ट में एग्जॉल्टेड मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप ऐसे समझो जैसा कि हमने देखा कि केतु के नक्षत्र का पहला पदा हमें नेम फेम देता है, ठीक इसी तरह से दोस्तों आप मकर राशि में भी देख पाओगे, तो मकर राशि का और आपका तीनों ही नक्षत्र जो चंद्रमा के रोहिणी हस्त और श्रवण, ये तीनों ही नक्षत्र का पहला पदा नवमांस में उच्च का हो जाता है, इट मीन्स कि जातक के जीवन में अपने कर्म को लेके, अपने मेहनत को लेके बहुत ज्यादा उसका नाम सम्मान होगा, बहुत मेहनती है वो पर्सन, क्योंकि मकर राशि रगड़ने का नक्षत्र है, मेहनत का, घिसने का, संघर्ष का, अपने संघर्ष से नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाएगा व्यक्ति, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे संघर्ष है, बहुत मेहनत से व्यक्ति अपना नाम, अपना प्रतिष्ठा, अपना सम्मान पा रहा है, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। और कई बार ऐसे व्यक्ति जो है वो फील्ड भी चेंज करने की वजह से भी आप देखो अपना फील्ड छोड़ देते हैं, ऐसे लोग तब भी नाम कमाते हैं जब अपना फील्ड छोड़ चुके हैं, जो फील्ड में वो काम करते थे वो फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में गए तो उनको वहां पे नाम सम्मान हुआ, मकर राशि में ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखते हैं, बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की दोस्तों, क्योंकि हमने केतु और चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर ली, वो तीसरा दोस्तों नक्षत्र है मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में यदि सन आ जाए, मिथुन राशि के पुनर्वसु में यदि सन आ जाए तो इन तीनों ही घर के सन जो है वो नवमांस कुंडली में उच्च के हो जाएंगे, अगेन ये नेम फेम सम्मान प्रतिष्ठा वाला कॉम्बिनेशन फिर से बना, और सूर्य मिथुन राशि में बैठ गया है, तो मिथुन राशि जो है वो बोलने को, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, और मिथुन राशि हमारे कंधों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार हमारे कंधों पे स्टार्स लगते हैं, तो मेजर, कर्नल, किसी अच्छे डिफेंस फील्ड में जाने वाले, किसी अच्छे जगह पे बहुत बड़े टीचर, क्योंकि स्पीच को भी बता रहा है ना, उनको बोलने से फेम है, तो बोलने में भी उनको सम्मान, उनके बोलने के तरीके से भी उनको पहचाना जाएगा कि वो इस तरह से बोलते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत है, तो ये नेम फेम बहुत 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 अच्छा हो गया कॉम्बिनेशन, नेम फेम का ट्रांसफरेबल जॉब का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि पुनर्वसु का कॉम्बिनेशन है, एक बार रिटायरमेंट के बाद फिर से वहीं से बुलाया जाता है, पुनर्वसु फिर से वहीं पे जॉब करते हैं लोग, इतना नेम फेम, इतना पहचान उनका होता है, ऐसे आप इसको देखना चाहिए आपको, सूर्य जो है वो पुनर्वसु के पहले पदा में जातक के जीवन में बहुत नेम फेम देता है। अगला नक्षत्र है दोस्तों तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में यदि सन आ जाए
ये नीच का, भले आप इसको कहोगे कि कमजोर राशि में सूर्य गया है, लेकिन ये एक राजयोग हो जाता है जब कोई प्लेनेट D1 में नीच का होता है और D9 में वही एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो ये एक राजयोग हो जाता है। ये आप ठीक उसी तरह के सूर्य से समझिए जो मैंने मेष का सन और D9 में भी मेष के सन के बारे में बात कर रहा था। ये इसको इस तरह इससे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि नीच का प्लेनेट जब उच्च होता है नवमांश में तो ये बहुत बड़ा एक उलट फेर होता है, बहुत बड़ा एक नाम सम्मान प्रतिष्ठा वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन घर, इन तीन घरों में ही ये होना चाहिए तो ही उस व्यक्ति के लाइफ में नेम फेम उसके कर्म की वजह से होना चाहिए। किसी और घर में अगर यही सूर्य नीच का उच्च का हो रहा है तो वो बदनाम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका नाम ही हो, क्योंकि नीच का सूर्य उच्च का हो रहा है, तो ऐसे इसको देखना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये किस फील्ड में क्या कर सकते हैं दोस्तों? विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र मल्टीटास्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लोग जो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो लीडरशिप क्वालिटी है कि वो एक ही साथ तीन चार कामों को मैनेज कर रहे हैं, तो विशाखा को इस तरह से लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे पूर्वा भाद्रपदा का पहला पदा में, यदि सन बैठ जाए पूर्वा भाद्रपदा कुंभ राशि में, यदि पहले पदा में सन बैठ जाए तो भी ये एग्जॉल्टेड हो जाएगा D9 में, एग्जॉल्टेड हो जाएगा D9 में। तो अगेन आप देखो, तो ये कुंभ राशि जो होता है वो सेवा का राशि होता है, सूर्य शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो अगेन ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में भी नाम सम्मान कमा सकता है। कुंभ राशि सीक्रेट सीक्रेट चीजों को, रिसर्च को भी बताता है, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग बहुत सारे फील्ड में अच्छा नाम सम्मान कमा सकते हैं, नेम फेम कमा सकते हैं, क्योंकि शनि के राशि में गया है। तो शनि कुछ आप कह सकते हो कि पुरानी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशनल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं, कोई PhD कर रहा है, कोई कोई हिस्ट्री में PhD कर रहा है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स के चार्ट में भी ऐसा कॉम्बिनेशन कुंभ राशि से एरीज के कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि सेवा पूर्व भाद्रपदा सेवा का नक्षत्र है, एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करना है उन्हें, तो ऐसे इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरा ये सूर्य के ऊपर बनाया हुआ वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।